दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कुछ इस धरती पर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह जगह असली है या फिर नकली। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस जेड वाले बटन को दबाकर इस घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। माउंट रोराइमा। दोस्तों, बात अगर इस जगह की जाए तो यह जगह प्रति से बेहद अलग है, जो कि देखने में जर्नी 2 के मूवी सेट जैसी लगती हैं। यह जगह माउंट रोराइमा, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ का अपना अलग ही एक यूनिक इकोसिस्टम है, जहां बाकी दुनिया से अलग प्रजाति के पौधे और जीव पाए जाते हैं। यहां स्थित वाटरफॉल दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक हैं। इस माउंटेन को 2 बिलियन साल पुराना बताया जाता है। यह खूबसूरत पहाड़ कई मूवी और नॉवेल्स का भी हिस्सा बन चुका है। 2009 की पिक्सार एनिमेटेड मूवी यूपी और 1992 की नोबेल लास्ट वर्ल्ड में इस पहाड़ की झलक देखने को मिलती है। माउंट रोराइमा जिस समय सफ़ेद धुंध से ढक जाता है, उस समय यह किसी आसमानी संरचना की तरह लगता है, जैसे आसमान में कोई दीप बहता हुआ जा रहा हो। अपनी इसी खूबी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है रेनबो माउंटेन। पेरू में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोंटाना डी सीएल कोलर्स हैं। लोग इसे रेनबो माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। 17,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बारिश के वक्त आसमान में दिखने वाले इंद्रधनुष के कई रंग इस पर्वत पर दिखाई देते हैं। यानी पूरी पर्वत श्रृंखला इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह दिखाई देती है। सूर्य की रोशनी में भी आप इन 7 रंगों को साफ तौर से देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि 1,000 साल पहले पहाड़ों का रंग सामान्य था, लेकिन पत्थरों के क्षरण की वजह से पहाड़ों की ऊपरी मिट्टी बह गई और इनके अलग अलग रंग सामने आए। डेविल्स केटल। दोस्तों, पहली नज़र में देखने में लगता है जैसे यह कोई साधारण सा झरना हो, लेकिन आपको बता दें कि मिनीसोटा में बहने वाली ब्रुएल नदी का पानी एक जगह आकर 2 हिस्सों में बट जाता है। इस नदी की एक धारा तो जाकर फिर से नदी में मिल जाती है, लेकिन दूसरी धारा का पानी एक खड्डे में जाकर कहीं गायब हो जाता है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका पानी कहीं न कहीं जाकर रुकता होगा, इसलिए शोधकर्ताओं ने इस धारा में शाही मिलाकर देखना चाहा, लेकिन शाही वाला पानी कहीं पर भी नहीं निकला। दोस्तों, यह पानी कहां जा रहा है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेक डेट चेंज इट्स कलर। जापान के हकाडू आइलैंड में स्थित यह झील लोगों के उत्सुकता का कारण बनी हुई है। इस झील की खासियत यह है कि इसमें मौजूद पानी किसी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। अगर एक किनारे पर खड़े होकर यह पानी आपको नीला दिखाई देगा, तो दूसरे किनारे पर खड़े होने के बाद आपको यह हरा दिखाई देगा। इस झील की अजीब बात यह है कि बारिश के मौसम शुरू होने पर यह पानी अपना जल्दी जल्दी रंग बदलता है। वैसे आपको बता दें कि यह एक मानव निर्मित झील है, जिससे वहां मौजूद एक नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में मौजूद अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा के कारण ही यह पानी अपना रंग बदलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस नदी के पानी को इकट्ठा करके इस नदी को बनाया गया है, वो बिल्कुल सामान्य है। तो फिर आखिर इस झील के आने के बाद यह पानी नीला कैसे हो जाता है? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सी स्प्लिट इनटू टू। केरल को 2018 में बेहद मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था। भारी वर्षा के बाद खतरनाक बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ा, जिससे पूरे केरल को तहस नहस कर दिया था और उसमें हजारों लोगों की जाने भी गई। लेकिन इसके बाद समुद्र के बीच जो हुआ, उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। केरल के समुद्र में बीचों बीच एक नया आइलैंड उभर कर आया। रेत से बना यह रास्ता आधे किलोमीटर लंबा था, जिसने समुद्र के 2 हिस्सों को बांट दिया था। यह एक नेचुरल घटना थी जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया था। इस जगह को लोकल्स और कई टूरिस्ट का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जिस तरह से यह जगह बनी है, उसी तरह से समुद्र की लहरों के साथ यह जगह वापस पानी में समा सकती है। लेकिन अभी भी यह सवाल है कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण आखिर कैसे हुआ था। द क्रिस्टलाइन केव। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई एक आकर्षक और विशालकाय क्रिस्टल गुफा है। यह पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक क्रिस्टल गुफा है। इसके बारे में साल 2000 में एक ज्वालामुखी द्वारा बनी गुफा की ड्रिलिंग कार्य के दौरान पता चला था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दक्षिण मेक्सिको के 350 मीटर की दूरी पर स्थित नेका के चिहुआ पहाड़ों पर यह क्रिस्टल गुफा मौजूद है।
इस गुफा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो 7 मीटर की लंबाई वाले क्रिस्टल के देवदार पेड़ खड़े हो। यह गुफा बेहद गर्म है। यहाँ पर हवा का अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। यही वजह है कि इस गुफा की बहुत ज्यादा छानबीन नहीं की जा सकती। इस गुफा को देखकर बचपन में सुनी परियों की कहानियों के सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बनी गुफाएं याद आती हैं। दोस्तों, इस धरती पर ना जाने कितनी ऐसी और अविश्वसनीय जगह हैं जो अभी तक लोगों की नजरों में नहीं आई। तो दोस्तों, इनमें से आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस टीच हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।